हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। होप यू अंडरस्टैंड द प्रीवियस कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फाइनल एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिमेनिंग पार्ट। एज यू नो द स्टोरी इज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। एवलिन ग्लैनी गेव इंस्पिरेशंस टू फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। नोट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। ये हैरानी की बात नहीं है, एवलिन ने अपनी ऑडियंस को बहुत ही खुश कर दिया। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और उसको रॉयल फिलहारमोनिक जो सोसाइटी थी उसको एक प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट का अवार्ड उसको प्रेजेंट किया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड थे, फेमस परकशनिस्ट, परकशनिस्ट मीन्स तबलावादक, उन्होंने क्या कहा, भगवान ने उससे हियरिंग पावर तो ले ली है लेकिन उसके रिटर्न में उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिया है, असाधारण चीज़ें उसको दी है। वट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जो हम सुनते हैं वो फील करती है कहीं उससे भी ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा। जो हम सुन सकते हैं, जो हमारी हियरिंग पावर है, उसकी फील करने की पावर उससे कहीं अधिक है। That is why she expresses music so beautifully. यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतना सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती है, प्रेजेंट करती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Workaholic means a person who find it difficult to stop working. यानी एक ऐसा पर्सन जिसको काम करने से रोकना मुश्किल है, मतलब काम से रोक नहीं सकते, काम करता रहता है, हैबिचुअल है काम करने का। अब एवलिन ने अपने आप को क्या कहा, वर्काहोलिक का। शी कॉल्स हरसेल्फ वर्काहोलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। मुझे सिर्फ काम करना है और उनसे भी ज़्यादा हार्ड काम करना है। किनसे, क्लासिकल जो म्यूजिशियन होते हैं उनसे भी कहीं अधिक हार्ड वर्क करना है। बट द रिवॉर्ड्स आर अनोरमस। लेकिन रिवॉर्ड्स भी तो क्या हैं, अनोरमस हैं, ह्यूज हैं। अगर वो मेहनत करती हैं तो उसके रिवॉर्ड्स भी उसे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। इट मीन्स रेगुलर कंसर्ट्स के साथ साथ, कंसर्ट्स होती हैं परफॉर्मेंसेस, कंसर्ट के साथ साथ वो क्या करती है, वो प्रिजन और हॉस्पिटल्स में भी फ्री कंसर्ट करती है, परफॉर्मेंस देती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। प्रायोरिटी मीन्स प्रेफरेंस। अब वो यंग म्यूजिशियंस के लिए भी क्या है, क्लासेस लगाती है या उनकी क्लासेस को भी प्रेफरेंस देती है। एन रिचलैन ऑफ द बिथ ओवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। इट मीन्स जो बेथोवन फंड की, जो डेफ चिल्ड्रन के लिए जो बेथोवन फंड था उनकी, उनमें जो एन रिचलैन थी, उन्होंने ऐसा कहा कि वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन मीन्स करेज, साहस देने वाली या प्रेरणा देने वाली डेफ चिल्ड्रन के लिए कौन, एवलिन। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो क्या देखती हैं या कहती हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते। एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी ने पहले ही एकम्प्लिश कर लिया था। एकम्प्लिश मीन्स कंप्लीट कर लेना, पूरा कर लेना, फिनिश कर लेना। इतना कुछ सीख लिया था जो उनकी ट्वाइस एज के लोग थे
उन्होंने जितना सीख रखा था उससे भी ज़्यादा उसने पहले ही सीख लिया था। शी हैज़ ब्रॉट प्रकर्शन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और वो प्रकर्शन मीन्स तबला, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उसको जो ऑर्केस्ट्रा होता है जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप होता है उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। तो जो उन ऑर्केस्ट्रा में सबसे आगे प्रकर्शन को वो ले आई थी, तबले को वो ले आई थी, और उसने दिखा दिया कि ये दिल को छूने वाला हो सकता है। सब लोग उसे पसंद करने लगे थे। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। और क्या था, उसने उन लोगों को जो हैंडीकैप लोग थे उनको इंस्पिरेशन दिया और उसको देख के वो बोलते थे अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन अनोर्मस प्लेजर टू मिलियंस। अब क्या था, स्पेशली उसने क्या किया, जो बहुत सारे मिलियन जो पीपल थे उनको क्या किया, इंजॉय करवाया, अनोर्मस प्लेजर दिया, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट दिया या बहुत ही ज़्यादा उनको खुशी दी। सो वी हैव accomplished दिस चैप्टर। होप आई ऑलवेज प्रोवाइड यू एग्जैक्ट कंटेंट्स रिगार्डिंग योर सिलेबस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।